हेलो फ्रेंड, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, फिंगर टाइप। तो दोस्तों, इस समय कोरोना का जो खतरा चल रहा है दोस्तों, आपको अपना ऑक्सीमीटर ले लेना चाहिए। और दोस्तों, हर अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी जांच करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है, ये मुझे 1400 रुपये का मिला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑक्सी पल्स मीटर है, और इसमें मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ। दोस्तों, ये वाटरप्रूफ है, उसमें एक दो बैटरी लगी रहती है छोटी छोटी। और दोस्तों, ये आपको इंडिकेट आपके हार्ट बीट की जो पल्स होती है वो बताती है, और दोस्तों आपको ऑक्सीजन लेवल भी बताती है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कितनी है। तो दोस्तों, ये मैं इसे अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मशीन है ऑक्सी पल्स मीटर, तो आप देख सकते हैं इसे, ये अभी न्यू है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी उंगली लगानी पड़ेगी, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसके बैटरी है। ये देखिए, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, एक हाथ से खुल नहीं रहा है। सॉरी दोस्तों, इसके बैटरी अब एक ही पीस था उसका मार्केट में, इसलिए मैं उसको ख़रीद ले आया, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की। एक मिनट दोस्तों, इसको बैटरी को मैं सही तरीके से लगा। तो फ्रेंड, इसको देखिए, यहाँ पर ये आप बटन दबाएंगे तो ये देखिए मशीन चालू हो जा रही है, और आपको एक किसी भी फिंगर में, आपको अंगूठी के बगल वाले फिंगर में आपको इसको लगाना है, और आप देखेंगे कि आपका जो ऊपर का है वो ऑक्सीजन लेवल बताएगा, और नीचे देखिए दोस्तों, ये दिल सा छपा हुआ है, ये आपके हार्ट का बताएगा, हार्ट बीट बताएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्कैनिंग कर रहा है, ये नीली पट्टियाँ जो चल रही है बार बार बंद हो रही है, वो स्कैनिंग करके बताएगा कि आपकी, ये देखिए दोस्तों 97, दोस्तों आपकी है ऑक्सीजन लेवल 97 है, और इस बच्चे की हार्ट बीट बता रहा है 100। तो दोस्तों, ये ज़्यादा बचत बता रहा है, थोड़ा धीरे धीरे ये अपना कम होता जाता है। देखिए दोस्तों, ये ऑक्सी पल्स मीटर है दोस्तों, कोरोना में अपना जो ये वाला ऊपर वाला है जो दोस्तों ऑक्सीजन लेवल, ये 95 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 95 से नीचे होता है तो दोस्तों आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, और डॉक्टर के पास जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा ऑक्सी पल्स मीटर का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, हाँ दोस्तों, जी 102 लिखा हुआ है दोस्तों, ये बच्चे का पल्स हार्ट बीट ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल 70 और 72 से नीचे नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।